नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स और मैं हूं रब कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का वनडे सीरीज का आज दूसरा मुकाबला एडिलेड में खेला गया और भारतीय टीम ने इस मैच को जीतकर यहां पे इस सीरीज में एक एक से बराबरी कर ली है। यहां पे कप्तान विराट कोहली का सेंचुरी देखने को मिला, वहीं पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का यहाँ पे अर्धशतक देखने को मिला और आखिरी गेंद पे एक बार फिर से छक्का मारकर जिताने वाले माही नजर आए। यहाँ पे 49वें ओवर के यहाँ पे पहली गेंद पे महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का जड़ दिया और मैच ड्रॉ हो गया। उसके बाद एक रन आवश्यकता थी और एक रन लेकर यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी ने मैच जिता दिया भारतीय टीम को। जो पहले मैच जो सिडनी में खेला गया था वहाँ पे भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था, वहाँ भी महेंद्र सिंह धोनी ने कमाल की बल्लेबाजी की थी, 51 रन बनाए थे, लेकिन उनका औसत थोड़ा स्लो था, वहाँ पे स्ट्राइक रेट स्लो था जिस वजह से उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। लेकिन आज का स्ट्राइक रेट महेंद्र सिंह धोनी का 104 का रहा। यहाँ पे 54 गेंदों में 55 रन बनाए महेंद्र सिंह धोनी ने और हम कह सकते हैं कि कप्तान विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी के बदौलत टीम इंडिया ने मैच जीता है। बाकी भारतीय बल्लेबाजों ने भी यहां पे कमाल की बल्लेबाजी की। ऑस्ट्रेलिया के भी शॉन मार्स ने यहाँ पे शतक जड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 298 रन बनाए थे, भारतीय टीम को 299 रन चाहिए थे और भारतीय टीम ने यहाँ पे चार गेंदे रहते ही 6 विकेट से मैच जीत लिया है। कैसा रहा पूरा मैच, इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अभिलाष जी जुड़ चुके हैं। सर, पहले मैच में हार जिस तरह से मिली और उसके बाद टीम इंडिया के बारे में हम बात कर रहे थे कि दूसरे मैच में यहाँ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बदलाव यहाँ पे देखने को मिला, वो भी गेंदबाजी में, बाकी पूरी टीम सेम थी। और जो बल्लेबाजी आज देखने को मिली है, जो मिडिल ऑर्डर की हम लगातार बात करते हैं कि कमजोर है, लेकिन आज का जो मिडिल ऑर्डर दिखा, साथ में दिनेश कार्तिक ने जो 24 रनों की पारी खेली, बेहतरीन पारी खेली, आप कैसे देखते हो यहाँ पे? जी देखिए लव, सबसे बड़ी बात क्या है कि टीम इंडिया को पहले तो जीत की बधाई और दूसरी बात, नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स ने ये बात काफी पहले कर दी थी, हमने भी की है, आपने भी की है, कि महेंद्र सिंह धोनी अगर फॉर्म में रहेंगे, उनका फॉर्म में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो फॉर्म में रहेंगे तो भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर कुछ अलग ही लेवल पर लगेगा, जो आज देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज भारत टॉप 3 पर डिपेंडेंट नहीं था। ठीक है, विराट ने शतक जरूर किया और 39वां शतक, सिर्फ 10 शतक और रह गए सचिन सर का रिकॉर्ड तोड़ने में। उम्मीद कर रहे हैं हम कि चले कोई भारतीय तोड़े, सचिन का भी यही कहना था, लेकिन जिस तरह से आज भारतीय टीम ने अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट किया है, क्योंकि जब आप बड़ा टारगेट चेस करते हैं तो फिर आपको पार्टनरशिप की जरूरत होती है और वो पार्टनरशिप सही टाइम पर मिलती गई भारतीय टीम को। 47 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए हुई, फिर उसके बाद 54 रन दूसरे विकेट के लिए जुड़े, फिर उसके बाद आपका 59 रनों की साझेदारी जब रायडू थे वहां पर क्रीज पे, हालांकि रायडू पर मैं फिर सवाल उठाऊंगा, लेकिन यहाँ पर 160 पर तीसरा विकेट गिरा, तो फिर वहां से धोनी को एक्चुअली सपोर्ट भी मिला ना, कि दूसरे साइड से विराट को ये बात पता थी कि धोनी थोड़ा सा लय में नहीं है, समय लेंगे तो वो अच्छी फॉर्म में दिखेंगे। और आप देखिए, जब उनके 48 से 49 रन तक सिर्फ एक छक्का उन्होंने जड़ा था नेथन लायन को, ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट उनकी 100 के आसपास थी, उन्होंने दौड़ के रन्स बनाए हैं, जो लोग कह रहे थे कि नहीं भाई स्ट्राइक नहीं रोटेट कर रहे हैं, आज तो उन्होंने सब कुछ दिखाया है। दूसरी बात, मुझे नहीं पता कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं, ये जो सवाल जिन्होंने उठाया है ये बहुत वाहियात है कि महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत स्लो बल्लेबाजी की, हम ये मानते हैं, लेकिन धोनी का आप एक बार स्टाइल देखें, उनका करियर ग्राफ देखें, अभी वो फॉर्म में नहीं है तो उन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मैचेस इसी तरह से जिताए, वो एंड तक मैच को लेके जाते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। इवन मैच के बाद भी विराट ने यही कहा कि महेंद्र सिंह धोनी क्लासिक देखने को मिला आज, और धोनी क्या करना चाहते हैं, आखिरी में मैच जिताना चाहते हैं, तो वो उनके मन पर है, उनके दिमाग को हम नहीं पढ़ सकते। दूसरी बात क्या है कि आप 4-3 थे पहले वनडे में, उसके बाद उन्होंने इतनी बड़ी पार्टनरशिप दे दी, आप मैच में थे, वहां वो आउट हो गए, अगर वहीं पर वो मैच जिता ले गए रहते, रोहित शर्मा भी स्लो बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा ने बाद में उसको रिकवर किया, ये धोनी में भी क्वालिटी है, लेकिन हम ये देखना चाहते थे इस माही को जो मैच जिता कर ले जाता है भारत को, और शायद धोनी भी ये बात समझते हैं कि दुनिया में उनसे बेहतर फिनिशर नहीं है और वो फिनिश करना चाहते हैं। अगर 2019 देखिए, 2018 में ही हमने ये बात कह दी कि थी कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे धोनी आएंगे वैसे वैसे वो फॉर्म में नजर आएंगे। देखिए धवन लय में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं। राइडू पे क्यों हमने सवाल उठाए, भाई आपको प्लेटफॉर्म मिला है, आपको एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करनी, नंबर 4 की पोजीशन बड़ी क्रूशियल होती है, 2 मैचेस आपने देख लिए, 2 मैचेस में आपने क्या कर लिया, डॉट बॉल ही तो खेल रहे थे, छक्के चौके आपसे लगते नहीं। तो देखिए मॉडर्न डे क्रिकेट में हम जहां जहां फास्ट हो रहे हैं, जहां हमारी बल्लेबाजी एक एक्सीलेटर पर पांव रख के ऊपर उठती थी, अब वो बल्लेबाजी नीचे जा रही है,
अब आप देखें वहां पर स्ट्राइक रेट, चलिए विराट का मानते, विराट इंक्रीज कर ले, अब राइडू उस शैली के बल्लेबाज नहीं है, वो सोचेंगे कि नहीं भाई मैं विराट की तरह मार लूंगा, मैं धोनी के, देखिए धोनी धोनी है, विराट विराट है, रोहित रोहित है, उनके अंदर एबिलिटी है कि वो 50 ओवर तक मैच को निकाल लेंगे, इनमें वो एबिलिटी नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो आज कार्तिक ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की है, संभल कर बैटिंग की है, पुल अच्छा किया है, तो कहीं ना कहीं भारत को, और कार्तिक का हमने हमेशा सपोर्ट भी किया है कि नंबर 6 के लिए शायद वो अच्छे विकल्प हो सकते हैं, धोनी के साथ गेम को वो जिता सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है 2019 विश्व कप को देखते हुए। अब भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर कुछ अलग ही रंग में लग रहा है, धोनी लय में रहेंगे तो भारत कुछ अलग लगेगा। तो पहले मैं दर्शकों को बता देता हूं कि भारतीय बल्लेबाजी की परफॉर्मेंस कैसी रही, फिर सवाल पे आता हूं। यहां पे धवन, सबसे पहले धवन का विकेट गिरा था, 28 गेंदों का सामना किया था, 32 रन बनाए थे, 5 चौके लगाए थे, स्ट्राइक रेट 114 का रहा था, कमाल का स्ट्राइक रेट था। रोहित शर्मा 43 रन बनाए, 52 गेंदों का सामना किए थे, 2 चौके और 2 छक्के जड़े थे, स्ट्राइक रेट यहाँ पे 82 का रहा था रोहित शर्मा का। वहीं कप्तान कोहली 104 रन बनाए, 112 गेंदों का सामना किया, 2 छक्के जड़े थे आज कप्तान कोहली ने, 5 चौके जड़े थे, 92 का स्ट्राइक रेट रहा था। अंबति रायडू का स्ट्राइक रेट थोड़ा कम रहा था यहाँ पे, 2 चौके जड़े थे, 24 रन बनाकर आउट हो गए 36 गेंदों में, 66 का स्ट्राइक रेट रहा। महेंद्र सिंह धोनी नॉट आउट रहे, 55 रन बनाए 54 गेंदों में, यहाँ पे 2 छक्के जड़े थे, 101 का स्ट्राइक रेट रहा। दिनेश कार्तिक 14 गेंदों का सामना किया, 25 रन जड़े, 2 चौके लगाए थे, 177 का स्ट्राइक रेट रहा। सबसे अधिक स्ट्राइक रेट इस मैच में दिनेश कार्तिक का ही रहा था, और जो जरूरत थी कप्तान कोहली के आउट होने के बाद कि यहाँ पे एक बल्लेबाज आए जो तेजी से रन बनाए यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिलके, वो दिनेश कार्तिक ने अपना काम किया है जो वो पहले वनडे में नहीं कर पाए थे। और मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि जो सवाल यहाँ पे उठ रहे थे चौथे पांचवें और छठे नंबर पे, तो हम दो मैचों में जैसा हमने देखा कि पहले मैच में तो चौथा और छठा फ्लॉप रहा था, पांचवें पे महेंद्र सिंह धोनी अपना काम किए थे और आज भी महेंद्र सिंह धोनी ने अपना काम किया, लेकिन छठे नंबर पे यहाँ दिनेश कार्तिक ने भी अपना काम किया, चौथे नंबर को आप कैसे देख रहे हो यहाँ पे? देखिए नंबर 4 की पोजीशन भारत की बड़ी क्रूशियल है और खतरे में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि राइडू रन बनाए, क्योंकि पर्सनली देखिए आपको खुंदक तो है नहीं, लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है कि राइडू यार बाहर लायक नहीं है आपकी पिच के, राइडू वो बैट्समैन नहीं है जो आप ढूंढ रहे हो। अब मुझे नहीं लगता इससे बेटर अगर आपको खिलाना है तो आप शुभमन गिल को खिला दो नंबर 4 पे यार, उनको सेट तो कर लो, और ऋषभ पंत आपकी, क्योंकि आपको देखिए नंबर 5 नंबर 6 पर आपको एक पागल बैट्समैन चाहिए, एक सिरफिरा चाहिए जो लंबी लंबी हिटें मार सके। मैक्सवेल ने आज क्या किया, मैक्सवेल ने बड़ी बड़ी हिटें इसलिए मारी क्योंकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया था, उनको पता है मैंने 40 ओवर के बाद आना है, 190 पर पास था, यहां से 100 अगर 80-100 रन भी मैं कर दूंगा तो मेरी टीम के लिए बेनिफिशियल है। हाँ हालांकि देखिए आज भारतीय गेंदबाजी की भी मैं तारीफ करूंगा, मोहम्मद शमी 3 विकेट उनके हाथ लगी, भुवनेश्वर कुमार ने 4 विकेट लिए, अच्छी गेंदबाजी की। एक समय ऐसा लग रहा था कि 320-325 बनाएगा ऑस्ट्रेलिया, जैसी पिटाई होनी शुरू हो गई थी, 45 ओवर में 260 थे, तो और कोई मैक्सवेल जैसे बैटिंग में जो 49वें ओवर में विकेट निकाले दोनों गेंदबाजों ने, वो एक क्रूशियल मोमेंट था जहां पर 20-25 रन उन्होंने बचा दिए, प्लस आपकी फील्डिंग आज बहुत अच्छी रही भारत की, इवन ऑस्ट्रेलिया की भी फील्डिंग आज बेहद शानदार रही थी, चौके नहीं दे रहे थे वो आसानी से, तो रविंद्र जडेजा का वो रन आउट, तो मैच इसी तरह से बनाया जाता है। आज बल्लेबाज जो किसी दिन गेंदबाजों का दिन नहीं होता तो बल्लेबाज हेल्प करते हैं, क्योंकि अब मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको 280-290 मिलेंगे, या हो सकता है 300-330 भी मिले। मेलबर्न में अगर जब अगला मैच होगा मेलबर्न में शायद ये पता लग जाएगा कि भारतीय टीम ज्यादा बेहतर है या फिर ऑस्ट्रेलिया, लेकिन फिलहाल जो है 1-1 से जो सीरीज बराबर हुई है, हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे कौन से वो बैट्समैन है जो वर्ल्ड कप के लिए तैयार है। मुझे नहीं लगता राइडू अभी तैयार है, अगर आपको नहीं है तो आप अपने दिग्गज बल्लेबाजों पर जाओ ना यार, आप चलिए उस पर भी हम बात करेंगे किसी और प्रोग्राम में, लेकिन यहाँ पर भारत को अभी भी ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाजों की जरूरत है जो लंबी हिटें मार सके, जो फ्लैट सिक्सेस मार, प्लस एक बैट्समैन बॉलर चाहिए, बैट्समैन कम बॉलर जिसे मतलब आपके ओवर निकाल सके। राइडू आपने ओवर कराए वो आपका देखिए आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में आ गए, अब ज्यादा वो राइडू के भरोसे आप जाओगे वर्ल्ड कप? यहाँ पांड्या की उम्मीद है, लेकिन पांड्या पे हार्दिक पांड्या, देखो हार्दिक पांड्या का क्या होगा वो टाइम अपना डिसाइड करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको जडेजा को छेड़ना चाहिए यार, बहुत इंपैक्ट प्लेयर है, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी यहाँ पर जडेजा जो है वो बाहर बिठाने लायक है। अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अच्छी बल्लेबाज, एटलीस्ट आपको एक प्रॉपर गेंदबाज मिल रहा है 7 नंबर पर, और अगर आप उनको प्लेटफॉर्म देंगे, बस ये हम हार्दिक पांड्या को यहाँ इसलिए ऊपर मानते हैं क्योंकि वो लंबी लंबी हिटें मार सकते हैं, यहाँ पर अगर आप पांड्या को खिलाओगे नंबर 7 पर, ये तो तय है कि 6-5 के कॉम्बिनेशन से भारत जाएगा, पांड्या को अगर आप खिलाते हो तो फिर आपको एक ऐसा बैट्समैन खिलाना पड़ेगा जो ओवर्स को कंप्लीट कर सके, पांड्या आपके 10 ओवर नहीं डाल सकते, ये बात आप भी जानते हैं, तो ये चीज समझनी पड़ेगी। आप जडेजा को तैयार करो, जडेजा को फ्री लाइसेंस दो ना यार, या तो जडेजा को थोड़ा ऊपर उतार दीजिए,
नंबर चार की अगर पोजीशन इतनी क्रूशियल है या नंबर छह पर जडेजा को आप उतारो, उनको आप लाइसेंस दीजिए, प्लीज गो फॉर बिग हिट, और जब वो बिग हिट के लिए जाते हैं तो फिर उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। तो आज भारतीय गेंदबाजी भी कमाल की रही। इससे पहले मैं दूसरे सवाल पे आऊँ, बता दूं आप दर्शकों को कि भारतीय गेंदबाजी कैसी रही। यहाँ पे पांच गेंदबाज के साथ भारतीय टीम उतरी थी, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और जडेजा, सबने 10-10 ओवर की गेंदबाजी की। भुवनेश्वर कुमार ने 4 विकेट निकाले और 45 रन दिए, वहीं मोहम्मद शमी ने 3 विकेट निकाले, 58 रन दिए। मोहम्मद सिराज अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे, 76 रन दिए, कोई सफलता हाथ नहीं लगी। कुलदीप यादव के लिए भी आज दिन खराब रहा, 66 रन दिए, इनके हाथ भी कोई सफलता नहीं लगी। रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट निकाला, साथ में 1 रनआउट किया था, उस्मान ख्वाजा का शानदार रनआउट था यहाँ पे, 2 विकेट हो गए उनके और 49 रन दिए थे यहाँ पे। एक मिडन ओवर भी फेंका था रविंद्र जडेजा ने यहाँ पे, वो जो रनआउट था उस मोमेंटम को आप कैसे देखते हो, पूरी मैच पलट दी ऐसा कैसे? यार आप देखो क्रिकेट के बेसिक्स को तो हम माप ही नहीं सकता, ऑलमोस्ट 38 से जब पॉइंट पे फील्डिंग कर रहे थे, उस्मान ख्वाजा को भी विश्वास नहीं हुआ होगा कि वो लगा कैसे, वो आए हैं और जो रिएक्शन टाइम था, मतलब आप मान लो ये गेंद आ रही है, हमने बॉल पकड़ी और फटाक से फेंकी, वो चीज, वो रिएक्शन टाइम डिपेंड करता है, और डायरेक्ट यादव एकदम से फटाक से हटे और डायरेक्ट हिट वहां लग गई, वो उसमें गलती नहीं है उस्मान ख्वाजा की, वो तो अपना उनको लगा भी कि सिंगल कंप्लीट हो जाएगा। अब वो रविंद्र जडेजा एट इज बेस्ट, वो भैया फील्डिंग का तो वो मिस्टर 360 डिग्री है, जो उनको पता है कि भैया विकेट का, ऐसा लगता है कि वो अर्जुन वाली आंख जो है ना वो दिखती है कि भैया मछली कहाँ पर है, मार दो तीर, और वो गेंद उनको तीर की तरह लगती है। उन्होंने बेहतरीन, जिसे हम कहते हैं प्योर गोल्ड, इस खिलाड़ी को प्योर गोल्ड मैं मानता हूँ। आपका टेस्ट सीरीज देख लीजिए, मुझे मतलब मैं हैरान होता हूँ कई बार कि उनको वनडे सीरीज से ड्रॉप क्यों किया जाता है। बहुत प्यारे खिलाड़ी हैं, बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, और मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या से ज्यादा बेहतर खिलाड़ी है। तो यहाँ पे आप तीसरे मैच को कैसे देख रहे हो, ये सीरीज 1-1 से बराबर हो गया, तीसरा मैच 18 जनवरी को खेला जाना है, सिर्फ यहाँ पे 3 दिन का वक्त है, तीसरे दिन ये मैच खेला जाएगा, जो भी ये मैच जीतेगा वो सीरीज जीत लेगा, तीसरा मैच इंपॉर्टेंट बहुत है, यहाँ पे टीम इंडिया को कैसे देख? देखिए मेलबर्न में ग्राउंड बड़ा है और मेरे हिसाब से शायद यही टीम उतरेगी भी, क्योंकि 3 पेसर हो सकता है कि खलील को ले आए आखिरी मैच में सिराज की जगह, लेकिन मुझे नहीं लगता कि और कुछ चेंज होगा, बल्लेबाजी आपकी परफेक्ट है, एक शायद रायडू को मौका और मिलेगा, अभी न्यूजीलैंड दौरा भी है, तो मुझे लगता है कि शायद सेम कॉम्बिनेशन रहेगा, अगर थोड़ा बहुत पेस अटैक में चेंज होगा, वरना मेलबर्न में सेम उतरेगी। सेम, अब देखना होगा कि तीसरा मैच कौन सी टीम जीतती है, दोनों टीम यहाँ पे दावेदार हैं और दोनों टीम कमाल की बल्लेबाजी और गेंदबाजी भी कर रही हैं, 1-1 से बराबरी पर हैं, और तीसरा मैच जो भी सीरीज का जीतेगा वही सीरीज जीत लेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अपडेट्स के साथ बने रहिए, फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आप हमारे नेक्स्ट शाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें, नमस्कार।